सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दां था, तो दूसरी जानिब यहूदी फलस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फहम व फरासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुकद्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेजों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। अहमद पाशा, ये आप क्या कर रहे हैं? इस सुरंग में चलते हुए आप किसी की भी नजर में आए बगैर महल से बाहर निकल जाएंगे। क्या आप रोबर्टो के लिए काम कर रही हैं? हम सबका एक ही हदफ है और वो है इस शाही खानदान का खात्मा। इस वक्त पाशा क्या हुआ? शहजादे, अब्दुल हमीद ने सजाए मौत का ढोंग रचाया था। आपको बस कसल से ये मालूम करना है कि उसने किन लोगों को बगावत का हुक्म दिया, फिर कसल को रास्ते से हटाने के लिए आप सुल्तान को ये मालूमात देंगे। बोलो विक्टर, क्या हुआ? जनाब, बस ये बताना था कि आपके हुक्म के मुताबिक यमन में बगावत शुरू करने वाले लोगों को रकम भिजवा दी गई है। बहुत खूब विक्टर, ये बात किसी के इल्म में नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल नहीं, वरना ये ना हो कि अब्दुल हमीद को माजूर करने से पहले हम खुद बर्बाद हो जाएं। अगर ये बात किसी को मालूम हो गई तो नतीजा क्या होगा, मैं ये सोचना भी नहीं चाहता, क्योंकि मैंने आज तक जिन जिन यूरोपीय मुल्कों में कारोबार किया और सरमायाकारी की है, उन सब मुल्कों में मेरा एतबार खत्म हो जाएगा। आप बिल्कुल भी परेशान मत हो जनाब, जा सकते हो अब तुम। इज़्ज़त पाशा जी, कहिए कसल साहब। आप फौरन महल जाएं और जानने की कोशिश करें कि अब्दुल हमीद यमन में शुरू हुई बगावत के बारे में क्या इकदाम कर रहा है। सुल्तान को तख्त से माजूल करने के लिए यमन की बगावत बहुत अहम हथियार है। ठीक है। रिज़े के फौजी तरबज़ोन का फौजी दस्ता और अक्षाबाद का एक दस्ता। सुल्तान मौसम, समझ नहीं सका कि यमन का बहिरा अस्वद से क्या ताल्लुक, ये फौजी दस्ते तो यमन से काफी दूर हैं। इसीलिए इनकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं जाएगी। यमन अनातोलिया को नहीं बचा सकता, मगर अनातोलिया यमन को बचा सकता है। सुल्तान मौसम, आइए बेटे, हम आपके ही मुंतजर थे। सुल्तान मौसम, आपके अंदाजे के मुताबिक यमन के बागियों ने टेलीग्राफ लाइन को नकारा कर दिया है, इसलिए हम सिर्फ मदीना की फौज से ही राब्ता कर पाए हैं। बदकिस्मती से यमन में मौजूद फौज की तादाद भी कम है, इसलिए बागियों के खिलाफ मुजाहमत करना बहुत मुश्किल है। सुल्तान मौसम, हम जानते थे कि ऐसा ही होगा, इसीलिए वहां बगावत शुरू करवाई गई है। एक वक्त था जब हमने मरहूम वजीर आजम रिफत अली पाशा को कहा था कि यमन में नया फौजी दस्ता भेजना चाहिए, मगर उन्होंने इस पर अमल नहीं किया और अपने सदारती मकाम का पूरा फायदा उठाया, और देखें आज हमारा क्या हाल है। अब क्या करेंगे हम? नक्शे पर दिए गए मकामात को अच्छी तरह देख लें। ये जुनूब में मौजूद वो फौजी दस्ते हैं जिन पर बरतानवियों की तवज्जो मबजूल नहीं होगी। पहले ये बहर अस्वद से बास्फोरस और फिर बहर रूम में दाखिल होंगे, बहर अहमर को अबूर करते हुए यमन पहुंचेंगे और फिर यमन को बचा लेंगे इंशाल्लाह। सुल्तान मौसम, सुल्तान मौसम, क्या इन फौजी दस्तों में बागियों को खत्म करने की ताकत है? जी बिल्कुल बेटे,
ये सब खसूसी तरबियत याफ्ता फौजी दस्ते हैं। हमने इन फौजी दस्तों की तश्कील के वक्त काफी मेहनत की थी इन पे। सब कहते थे कि रिजे के गिर्द इतनी फौज का आखिर क्या काम है। हम जानते थे कि मुस्तकबिल में मुश्किल सूरत हाल का सामना करने पर इनकी जरूरत पड़ सकती है। वहाँ मौजूद सिपाहियों को हर तरह की मुश्किल सूरत हाल के लिए तैयार किया गया। बेटे आप खुफिया आदात की किताब से उन्हें पैगाम पहुँचा दें कि रिजे के नजदीक जमा होकर रवानगी की तैयारी करें। वो अच्छी तरह जानते हैं कि ऐसे हालात में उन्हें क्या करना है। जो हुक्म सुल्ताने मौसम। इस पर मौजूद कलीद के जरिए रिजे टेलीग्राम भेजिए। अक्चाबाद और तराबजोन के दस्तों के साथ मिलकर यमन की तरफ हरकत करने का हुक्म दे उन्हें। जो आपका हुक्म शहजादे। शहजादे खैर तो है इसद पाशा। मैं एक निजी नौयत का टेलीग्राम भेजने के लिए आया हूँ। वाकई निजी मामला है क्या? जी शहजादे। इसद पाशा, निजी टेलीग्राम महल से ना भेजना ही ज्यादा मुनासिब होगा। आप तो जानते ही हैं कि हमारा कौन दोस्त है और कौन दुश्मन, इसमें फर्क करना मुश्किल है। आपने दुरुस्त फरमाया शहजादे। खुद को मशकूक लोगों की फहरिस्त में मत लाएं। जी शहजादे, मैं समझ गया। आप हमारे साथ चलिए। जो आपका हुक्म शहजादे। मेरे शेर की हालत अब काफी बेहतर लग रही है तबीब साहब, है ना? जी काफी बेहतर है। मैंने अली उस्मान के तमाम तिब्बी दस्तावेजात का जायजा लिया है। अगर हम कुछ अरसे इनका इलाज जारी रखें तो इनकी सेहत पहले की तरह बहाल हो जाएगी इंशाल्लाह। यानी अशरफ साहब जिस तरह इन्हें जहर दिया गया था इसी तरह इन्हें सेहत याबी के लिए दवा भी दी जाएगी। आप अली उस्मान की सेहत बहाल होने पर हैरान मत होइएगा, क्योंकि मुमकिन है कि ये बहुत जल्द चलने लग जाएंगे। तेरा शुक्र है मेरे अल्लाह। अब इजाजत दीजिए, होटल जाना है मुझे। जी जरूर तबीब साहब, हम भी बस घर जाएंगे। अशरफ भाई, क्या आप खतरा टल गया है? हालात पहले से काफी बेहतर है मेरी बहन। अल्लाह का शुक्र है। जब अली उस्मान की सेहत बहाल हो जाएगी तो हम भी एक पुरसुकून जिंदगी गुजारेंगे, है ना मेरे शेर? बाबा जान, आपने हमें तलब फरमाया। जी बेटी, हमें आपसे कुछ बात करनी है। हम जानते हैं कि आपने हमें क्यों याद किया है। सालिया सुल्तान ने हमारी शिकायत की होगी कि इमसाल खात्मा को हम यहाँ से रवाना करना चाहते हैं। आप बदगुमानी कर रही हैं बेटी, और हकीकत को जाने बगैर ही नताइज अख्ज कर रही हैं। आपने जो कहा हमें इस बारे में इल्म नहीं था। वैसे आप इमसाल खादिमा को महल से किस लिए रवाना करना चाहती हैं? हमें उन पर एतमाद नहीं है। क्या आपके पास उनकी बददियानती का कोई सबूत है? वो सिर्फ सालिया सुल्तान की वफादार है। वो हरम के इंतजाम और हमारे एहकामात को नहीं मानती। आपने हमें यहां क्यों तलब फरमाया? इसे पढ़िए, मलिका बीदार ने भेजा है। क्या लिखा है वालिदा ने? वो आपको बहुत याद करती हैं। उन्होंने आपके लिए कैसी तैयारी की है और आपका कमरा कितने अच्छे तरीके से तैयार किया है।
दोनों जहां में हमारी उम्मीद और खुशी, हमारी आंखों की रोशनी। सुल्तान मौजम, आपकी जुदाई में हमारे तारीख और गमगीन दिनों को नाइमे की आमद की खबर से ज़िया मिली। आपकी सेहत और सलामती की खबर हमारी तसल्ली के लिए काफ़ी है सुल्तान मौसम। नाइमे के आने की खबर हमारे लिए किसी जश्न से कम नहीं है। हम बहुत खुश हैं। हमें उम्मीद है कि नाइमे की आवाज़ में आपके अल्फाज सुनकर हमें सुकून ज़रूर नसीब होगा। हमने यहाँ अपनी बेटी के आराम और सुकून का हर मुमकिन इंतज़ाम किया है ताकि मुतमईन रहें वो। हम नहीं जानते कि क्या आप कभी दोबारा आपको देख सकेंगे, लेकिन आप जानते हैं कि हम हमेशा दुआ करते हैं कि आप और हमारी रियासत हमेशा सलामत रहे। दरअसल हम चाहते थे कि आप खुद इसे पढ़ लें कि आपकी वालिदा आपकी आमद की खबर पाकर कितनी खुश हैं। आप यहां महल में रुकने का फैसला करते हुए इस बारे में भी सोचिएगा कि मलिका बीदार की दिल आजारी ना हो, इस बात का ख्याल रखिएगा। आसपास कोई नजर आया तुम्हें? नहीं, यहां तो कोई भी नहीं है। मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा। मामू ने किस जगह का बताया था वैसे? बस यहीं रोक लो कानी। बाबा, मामू, बाबा, सबाहतीन, कहीं मामू को गिरफ्तार तो नहीं कर लिया? इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। इंशाल्लाह। बाबा, मामू, बाबा, अगर मुझे ढूंढ रहे हो तो आ जाओ। आपने तो हमें डरा दिया बाबा। फ्रांसीसी सफीर से इजाजतनामा ले लिया है, अब इस सिफारत खाने की बग्गी से सिफारत खाने तक जाएंगे हम। बारिश का हर कतरा हरियाली का सबब बनता है। दरख्त के टूटे हुए पत्ते देखकर ये ना समझो कि वो मुरझा गया है, और यही बहार के नए पत्ते उगने की नवीद है। मौलाना जलालुद्दीन, आपने ये अल्फाज बयान करके हमें बहार की उम्मीद दिला दी है। हम हमेशा आपको अच्छी खबरें और अच्छी उम्मीद देना चाहते हैं सुल्तान मौसम, और सिर्फ इसीलिए आपने हमसे नायमे बेटी से इख्तलाफ का जिक्र नहीं किया। आप पहले ही रियासती मसाइल का शिकार हैं। हम आपको हरम की मामूली शिकायत के जरिए परेशान नहीं करना चाहते। हमने सुना है कि नायमे बेटी आपकी खादिमा को महल से भेजना चाहती हैं। जी ऐसा ही है, लेकिन इमसाल खादिमा बरसों से हमारी खिदमत कर रही हैं। अब अगर बगैर किसी वजह के हम उन्हें जाने दें तो ये जेब नहीं देता, लेकिन नाइमे सुल्तान ये बात नहीं समझ रही, और हम उन्हें नाराज भी नहीं करना चाहते। क्या आपने नाइमे बेटी को कायल करने की कोशिश की? आपने उन्हें बताया कि आपकी खादमा आपके लिए कितनी अहम है? जी हमने बताया, उन्हें कायल करने की कोशिश भी की लेकिन नाकाम रहे। नाइमे सुल्तान अपने फैसले पर कायम है। क्या इसके अलावा भी उन्होंने कुछ कहा आपसे? उन्होंने कहा है कि अगर हम इमसाल खादमा को नहीं भेज सकते तो खुद भी उनके साथ महल से चले जाएं। अच्छा, तो नायमे बेटी ने ऐसा कहा है? मैं बच गया भाई। क्या आप ठीक हैं? हाँ
नहीं भाई, अभी हमें सुल्ताने मौजम के पास नहीं जाना चाहिए। आप उन्हें बाद में मैसन आरकिन के नाम बता दीजिएगा, मगर अभी हमें उन लोगों को रोकना होगा जो अंदर से रियासत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमें उन्हें रोकना ही होगा। अगर हम अभी सुल्ताने मौजम के पास गए तो मैसन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। महल में बहुत से गद्दार मौजूद हैं, मुझे यकीन है फौज में जो निफाक फैला है वो जरूर अंदर मौजूद किसी गद्दार पाशा की वजह से है। हमें ये सब होने से रोकना होगा। हाँ, पहले हम यहाँ से निकलते हैं। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि मेरी जान किसने बचाई और मैं यहाँ कैसे आया। मैंने सिपाहियों को धोखा देकर कहीं और मसरूफ कर दिया है। आप बेफिक्र हो जाए, हमें कोई नहीं देख पाएगा यहाँ से निकलते हुए। मैंने आपसे वादा किया और उसे निभाया। महमूद पाशा को फरार होने का मौका देने वाला मैं हूं। लेकिन आपने हमारे मेसन भाई मिहाइल को मार डाला। इस वक्त मेरे सामने हमारा कोई मुआविन नहीं खड़ा, बल्कि हमारे मेसन भाई का कातिल खड़ा है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या समझते हैं जनाब करसू। जो ठीक लगा मैंने वही किया। एक को बचाने के लिए दूसरे को मारना इंतहाई जरूरी था, तो मैंने मार दिया। क्या महमूद पाशा को मार देता? हाँ जनाब करसू, बहुत हो गया, इस मौजू को अब बंद कर दें। अहमद पाशा भी हमारी तरह मिहाइल को मारना नहीं चाहते थे, मगर इन्होंने वही किया जो उस वक्त जरूरी था। लेकिन अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल, यमन का मसला। अगर सुल्तान ने यमन को बचा लिया तो अब तक हमने उसे बर्बाद करने के लिए जितनी भी कोशिशें की हैं सब बेकार हो जाएंगी। आप बेफिक्र रहिए अहमद पाशा, वो काम इतनी आसानी से हो जाएगा जैसे बाल निकालते हैं मक्खन से। सुल्तान को यहां मौजूद लोगों में से मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। वो यकीनन कोई मंसूबा बनाएंगे, इसलिए आपको यमन के हवाले से अपने इकदाम के बारे में मुझे तफसील से आगाह करना होगा, ताकि मैं अब्दुल हमीद के दिफाई हमले से पहले कोई मुदाखलत कर सकूं। जनाब कसल, मुझे बताइए कि आप उनसे राबता कैसे करते हैं? मैंने ये बगावत कैसे शुरू करवाई, मैं आपको इस बारे में कुछ भी नहीं बता पाऊंगा अहमद पाशा। इसलिए नहीं कि मुझे आप पर भरोसा नहीं है, लेकिन बात यह है कि मैं किसी को भी ये मालूमात नहीं दे सकता। मैंने बगावत कैसे शुरू करवाई और बागियों से राबता कैसे किया। वैसे भी इज्जत पाशा आने वाले हैं, वो महल से इस बारे में खबर लेने गए। फिर मुझे और आपको इस सिलसिले में कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी। हाँ देखिए वो आ गए। बदकिस्मती से मुझे यमन वाले मामले में कोई मालूमात हासिल नहीं हो सकी। इस मामले को शहजादा अहमद नूरी संभाल रहे हैं। मैं कमरे में जाने ही वाला था कि उन्होंने मुझे देख लिया। क्या जनाब कसल, आप एक बार फिर इस बारे में सोच लें। और आप खुद देख चुके हैं कि कल रात मैंने अपने वादे को किस तरह से पूरा किया है। आपको एक बार फिर मुझ पर एतबार करना होगा और यमन में होने वाली बगावत के हवाले से तमाम तर मालूमात से आगाह करना होगा मुझे। सुल्ताने मौज़म, सलीम पाशा के बारे में एक खबर मौसूल हुई है। बताइए। सलीम पाशा ने कल शाम महल में एक पैगाम भेजा, लिखा था कि वह आपसे मिलकर आपको मेसन अराकीन के नाम बताना चाहते हैं। मैंने उन्हें लाने के लिए अस्पताल में सिपाही भेजे, लेकिन वह अपने कमरे में नहीं थे। सुल्ताने मौज़म, क्या आपने पहरे के लिए वहां सिपाही खड़े नहीं किए थे? वो कहां चले गए अचानक? वहां सिपाही मौजूद थे, लेकिन नहीं मालूम ये सब कैसे हुआ। तहकीक शुरू करवा दी गई है, सलीम पाशा को हर जगह तलाश किया जा रहा है। मसाइल तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। आप कहिए बेटे, क्या हुआ है? सुल्ताने मौसम, हमारे पास आपके लिए तसल्ली बख्श खबर है। हमने
रजे के कमांडर को टेलीग्राम भेजा था। यमन में होने वाली बगावत से खबरदार किया उनको। बरसों पहले आपने जब ये फौजी दस्ते तश्कील दिए थे तो उन्हें हंगामी हालात में किए जाने वाले इकदामात की हिदायत दी गई थी। आपका यह हुक्म सुनते ही फौजी दस्ते सफर पर रवाना हो गए और बहुत जल्द वो लोग यमन पहुंच जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये वाकई एक बहुत अच्छी खबर है। क्या उनकी तैयारी मुकम्मल है? जी, उन्होंने हमें पैगाम भेजा कि वो मुकम्मल तैयारी के साथ रवाना हुए हैं। अल्लाह सफर आसान करे। इंशाल्लाह यमन पहुंचने वाली इस फौज को अपनी कोशिश के बेहतरीन नतीजे हासिल होंगे और दोबारा किसी इकदाम की जरूरत नहीं होगी। हमें उनकी सलाहियतों पर भरोसा है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बेटे, आप टेलीग्राफ लाइन वाले कमरे में जाइए। वहाँ मनफी या मुस्बत कोई भी खबर मौसूल हो तो हमें फौरन मुत्तला कीजिए। जो हुक्म सुल्ताने मौसम। आप क्या कर रही हैं? वालिदा को खत लिख रहे हैं। जब उन्होंने हमारे आने का सुना तो उन्हें बहुत खुशी हुई। उन्हें बता रहे हैं कि हम नहीं आ रहे ताकि वो अफसरदा ना हो। तो आप कुछ दिन के लिए उनके पास चली जाए ना, आपके ना आने का सुनकर वो मजीद उदास हो जाएंगी। सालिया सुल्तान की वजह से हम नहीं जाना चाहते। ठीक कह रही हैं, वो आपकी मौजूदगी में हर जगह अपना रोब जमा रही हैं। आपके जाने के बाद क्या कुछ कर गुजरेंगी वो। वैसे भी उन्होंने खदीजा बाजी को महल में बुला लिया है। क्या उन्होंने खदीजा को महल बुला लिया है? खदीजा बाजी को जब हमारी हालत की खबर मिली तो उन्होंने हमें खत लिखा और कहा कि वो जल्द यहाँ आने वाली हैं। सालिहा सुल्तान ने ही उन्हें यहाँ मदऊ किया है। किस लिए बुलाया है? जुर्रत कैसे हुई उनकी? खदीजा इस महल में एक कदम भी नहीं रख सकती। मुझे हैरत हुई कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। वो क्यों? ताता फलाली और जकरियान के बाद मुझे लगा आपने ये काम छोड़ दिए होंगे। अब खैर, वो दोनों भी बेमौत मारे गए। एक शिकारी ने उन्हें मार डाला। कौन है वो शिकारी? अशरफ अजीज। आज मैंने तुम्हें जिसके लिए यहाँ बुलाया है उसका नाम अशरफ अजीज है। उसने हम सबका जीना हराम किया हुआ है। अवाम उसकी वजह से अमन सुकून में रह रहे हैं, भरोसा करते हैं उस पे। हमारे बहुत कम आदमी रह गए हैं। हाँ, लेकिन मैं फिर भी आपके साथ हूँ। अगर तुम उसे खत्म कर दो तो तुम्हें एक बेहतरीन मौका मुयस्सर होगा। कैसा मौका? पूरे इस्तांबुल का मालिक बनने का मौका। अशरफ अजीज को मार दो, फिर इस्तांबुल में जितने चाहो अपनी मर्जी से जुए के अड्डे बनाओ, गैर कानूनी काम करो और लोगों से भत्ता लो। आदमी कम है मेरे पास। अशरफ अजीज के साथ तुम्हें किसी लंबी जंग में पड़ने की जरूरत नहीं। बस एक ही हमले में उसका काम तमाम करो, फिर तुम्हें पाया तख्त मिल जाएगा और मुझे मेरा भांजा। आपका इरादा क्या है? आप क्या करना चाह रही हैं? नाइमे, क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों हैं नाइमे सुल्तान? हमारे गुस्से का सबब सिर्फ आप और आपकी खादमा है। इस बार तो आपने हद ही पार कर दी सालिह सुल्तान। नाइमे, पुरसुकून हो जाएं। आप इस हरम की मलिका नहीं है। बाबा ने आप पर तरस खाकर आपको यहाँ कयाम करने की इजाज़त दी है। बहस करने के बजाय क्या आप बताएंगी कि आपको किस बात का गुस्सा है? आपने किस हक से खदीजा को महल में आने की दावत दी है? ये कैसी जुर्रत है? आपने बुलाया है क्यों उन्हें? नहीं। झूठ बोल रही हैं आप। हम आपसे झूठ क्यों कहेंगे? आपने खदीजा को यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि आपको लगता है कि उसके यहाँ आने से हम चले जाएंगे। आपके इस महल में रहने या न रहने से हमें कोई दिलचस्पी नहीं है, जानती हैं आप? हमें आपकी बात पर यकीन नहीं। हम आपकी खादमा को भेजना चाहते हैं, इसलिए आपने खदीजा को बुलवा लिया, उस औरत को जिसने हमें सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंचाई। हमने उन्हें यहाँ मदऊ नहीं किया। सुल्ताना सच कह रही है। आप चुप रहे इमसाल खादमा। अगर इन्होंने खदीजा सुल्तान को बुलाया होता तो मुझे खबर होती। तुमसे पूछा किसने है? पीछे हटो। या अल्लाह, खैर? इमसाल खादमा। क्या आप जानती हैं ये बहस क्यों हो रही है? हमें मालूम है क्योंकि ये बहस हमने ही करवाई है।
कहिए ताहिर पाशा, हम सुन रहे हैं। सुल्तान मौजम, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तमाम दाखिली और खारिजी रास्ते बंद कर दिए गए हैं, यानी अब महमूद जलालुद्दीन किसी भी सूरत शहर से बाहर नहीं जा सकता। सिफारत खानों की क्या सूरत हाल है? सिफारत खानों के बाहर सिपाही तैनात कर दिए गए हैं, खास तौर पर फ्रांसीसी सिफारत खाने के बाहर, और मैं खुद भी वहीं मौजूद रहूंगा। आप तो जानते हैं, पनाह देने के मामले में फ्रांसीसी सिफारत खाना बाकियों से ज्यादा तेज है। सुल्तान मौसम, लेकिन मैं आपसे एक और मामले के बारे में बात करना चाह रहा था। किस बारे में? उस रात जब मुझे और रजा पाशा को अगवा किया गया था, तो मैंने गोलियां चलने की आवाज सुनी और ऐसा महसूस हुआ जैसे आवाम को वहां से दूर रखने के लिए ये किया जा रहा हो, लेकिन गोलियां चलाने का अंदाज वैसा ही था जैसा कि मेरा हुआ करता था। चार गोलियां, फिर चंद लम्हों का वक्फा और फिर दो गोलियां। ये अंदाज हर किसी को मालूम नहीं, और जिनको मैंने सिखाया उनको मैं जानता हूँ। यानी आपको अगवा करने वाले और सिपाहियों में बगावत फैलाने वाले आपको अच्छी तरह जानते हैं। यही बात तो मुझे उलझा रही है। मैंने जिन सिपाहियों को यह अंदाज सिखाया वो अल्बानिया में है। सिर्फ वही लोग या फिर आपके महल में मौजूद चंद एक लोग ये गोली चलाने का अंदाज जानते हैं जो मेरा हुआ करता था। अगर मैं मजीद गहराई से सोचता हूं तो मेरे जहन में अहमद पाशा का नाम आता है। सुल्तान मौसम, तो आपका ख्याल है कि अहमद पाशा भी इस सब में शामिल है? मैं नहीं जानता सुल्तान मौसम, मैं किसी पर भी इल्जाम लगाना नहीं चाहता, लेकिन मैं जो कुछ भी जानता हूं वो आपको बताना मेरा फर्ज था। अब आपकी इजाजत हो तो मैं चौकी पर जाना चाहता हूँ सुल्तान मौसम। ठीक है पाशा, मोहतात रहिएगा, आप जा सकते हैं। मेसन मिहाइल को गोली मारने वाले भी अहमद पाशा ही थे। उसके बाद महमूद जलालुद्दीन फरार हो गया। इस अंदाज में गोली चलाना सिर्फ अहमद पाशा ही जानते थे। तो क्या फौज को बगावत का हुक्म देने वाले भी अहमद पाशा ही हैं? इंशाल्लाह आपके बारे में हमारे शुबा सच साबित नहीं होंगे, इंशाल्लाह। ये क्या है? वही सबूत जो आप चाहते थे, मैंने ये कसल से हासिल किए हैं। यमन में कसल ने किस तरह से बगावत शुरू करवाई, ये उसके सबूत हैं। रकम किस किस बैंक में भेजी जाती है, सब कुछ दर्ज है इसमें। यानी इन सब बैंकों में रकम कसल की तरफ से भेजी गई है? बिल्कुल ऐसा ही है। आपने बहुत अच्छा काम किया है पाशा। ये फहरिस्त सुल्तान अब्दुल हमीद के हवाले कर दें, कसल का खात्मा अब आपके हाथों होगा। सुल्तान अब्दुल हमीद ये तमाम सबूत अखबारात में शाया कर देगा और इस तरह कसल का असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ जाएगा। हिसस बाजार में मौजूद ताजिर अपना हिस्सा वापस ले लेंगे और फिर हिसस की कीमत गिर जाएगी। इस तरह कसल को सिर्फ सल्तनत उस्मानिया में नहीं बल्कि यूरोपीय ममालिक में भी काफी माली नुकसान होगा। कोई भी रियासत के खिलाफ कदम उठाने वाले सरमायाकारों के साथ कारोबार करना पसंद नहीं करता। तो फिर मुझे फौरी महल जाना चाहिए। दलत साहब, आपके लिए भी एक अहम काम है। हुक्म कीजिए। दरअसल हमें खबर मिली है कि महमूद पाशा अभी तक फ्रांसीसी सिफारत खाने नहीं पहुंचे। मुझे लगता है कि सबाहद्दीन भी उनके साथ है। यकीनन वो किसी तरीके से अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे होंगे। तो अब आपको वहां जाकर सिपाहियों की तवज्जो किसी और जानिब मबसूल करनी होगी ताकि महमूद पाशा आसानी से सिफारत खाने में दाखिल हो सके। मैं समझ गया। मस्जिद कहाँ है? यहाँ से सीधा जाओ। शुक्रिया।
ठीक है, जाएं, आप जा सकते हैं। आप रुक जाइए। सुनो बेटा, मैं बाकी चौकियों का जायजा लेने जा रहा हूँ। कुछ ही देर में यहाँ वापस आ जाऊंगा, तब तक बिल्कुल चौकन्ना रहना। जो आपका हुक्म कमांडर। अपनी शनाख्त दिखाओ। ये सिफारत खाने की सवारी है, इजाजत नामा भी है, लेकिन ये तो फ्रांसीसी सिफारत खाने की है। क्या तुम लोग इस रास्ते से सिफारत खाने जाते हो? लंबा रास्ता क्यों इख्तियार किया? मेरी मर्जी में जिस रास्ते से जाऊं, तुम्हें क्या है? तुम यहां से नहीं जा सकते, सख्त अहकाम हैं, वहां जाओ। अगर हमने दूसरे रास्ते से दाखिल होने की कोशिश की तो और मुश्किल होगी। इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं संभालती। ये सब लिबास कितने खूबसूरत हैं। किसने अतिया किए हैं? सालिया सुल्तान ने भेजे हैं शहजादी। इसके अलावा जेवरात भी हैं, अभी लेकर आती हूँ। ठीक है। होशियार, सुल्तान अब्दुल हमीद खान तशरीफ ला रहे हैं। माशाल्लाह, आपने नीलामी के लिए काफी कुछ जमा कर लिया। शुक्रिया सुल्तान मौज़म। आप भी अब काफी बेहतर लग रही हैं बेटी, माशाल्लाह। हम भी चाहते थे कि इस कार्य खैर में कुछ हिस्सा डालें। मलिका भी आपके साथ शामिल होना चाहती थी, लेकिन उनकी खादमा के साथ एक हादसा हो गया। इंशाल्लाह उन्होंने आपको इस वाकये की वजाहत गलत तरीके से नहीं की होगी, क्योंकि ये एक हादसा था और कुछ नहीं। मगर आपका वहाँ क्या काम था? वो हम सालेह सुल्तान से कुछ बात कर रहे थे और बात बढ़ते बढ़ते बहस में बदल गई और उनकी खादमा को मुदाखलत करनी पड़ी। मगर हम हक पर थे बाबा। सालिया सुल्तान ने खदीजा को महल आने की दावत दी है। खदीजा इस खानदान का हिस्सा है, वो हमसे अपनी गलतियों की माफी मांग चुकी हैं। उनके यहाँ आने और मलिका सालिया का उन्हें यहाँ बुलाने में कोई हर्ज नहीं है। मगर क्या उन्हें ऐसी सूरत हाल में हमसे मशवरा नहीं करना चाहिए था? वो जानती है कि हम खदीजा को पसंद नहीं करते। आप ठीक कह रही हैं, उन्हें आपको बताना चाहिए था, लेकिन मलिका सालिहा ने खदीजा सुल्तान को महल आने की दावत नहीं दी है और ना ही उनसे कोई राब्ता किया है। बेटी, आपको इस बात पर यकीन है बाबा? आपको इस बात पर यकीन क्यों नहीं आ रहा? आपके नजदीक ऐसा कौन है जिस पर आप मलिका सालिहा से ज्यादा यकीन कर सकती हैं? हमें खदीजा के करीबी साथी की तरफ से खत मौसूल हुआ। शायद वो भी हकीकत से वाकिफ ना हो, उन्हें कोई गलत फहमी हुई हो या उन्होंने आपको परेशान करने के लिए झूठ बोला हो। आप बच्चा फरमा रहे हैं तो फिर बेटी आपको ये कबूल करना होगा कि आपने मलिका साले और उनकी खादिमा के साथ ज्यादती की है। हमारा इरादा उनको नुकसान पहुंचाने का नहीं था, बस हमें अचानक गुस्सा आ गया था। हजरत मौलाना रूमी फरमाते हैं, गुस्से की आग कुछ ही देर में बुझ जाती है, मगर तब तक बहुत कुछ जल चुका होता है। शायद अब मलिका बीदार को मजीद फिराक की आग में नहीं जलना चाहिए। वो आपकी आमद का सुन के काफी खुश थी। हमने सुबह वालिदा को खत लिखा है कि हम नहीं आ रहे। तो फिर अब आप जल्द अज जल्द तैयारी शुरू कीजिए और अपनी वालिदा के पास जाइए, उन्हें मजीद उदास मत कीजिए।
तहसीन पाशा, बात हो सकती है क्या? आइए अहमद पाशा। तहसीन पाशा, मैं फौरी तौर पर सुल्तान मौसम से मिलना चाहता हूं। आप जानते हैं कि सुल्तान मौसम आजकल खास लोगों के अलावा किसी से नहीं मिल रहे हैं, और वैसे भी सजाए मौत वाले दिन आपने जो कदम उठाया अहमद पाशा, उसके बाद से सुल्तान मौसम आपसे खफा हैं, वो हरगिज आपसे मिलना नहीं चाहेंगे। तहसीन पाशा, ये रियासत की सलामती का मसला है। मेरे पास यमन की बगावत के बारे में कुछ मालूमात मौजूद हैं, और ये मैं अपने लिए नहीं बल्कि रियासत की सलामती के लिए कर रहा हूं, यकीन करें। आओ खाला की जान। अली उस्मान अब अपने घर में रहेगा, मैंने कहा था ना। मगर आपने कहा था खतरा टल जाने के बाद आप अली उस्मान को मेरे हवाले कर देंगे, बल्कि आपने तो वादा किया था अशरफ अजीज साहब। मैं अपने वादे पर कायम हूँ लीना। एक तरफ से खतरा टल चुका है, मगर दूसरी जानिब खतरा मौजूद है। एक बच्चा तब भी मेरे पीछे लगा है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि अली उस्मान पर कोई भी आ जाए। आप चाहें तो हमारी तरफ आ सकती हैं। मेरी बात को समझने की कोशिश करें। चलिए ठीक है फिर। खाला की जान, मेरी जान, सांत्या वाले घर में आओ, एक जरूरी बात है। भाई, सख्त हिफाजती इकदामात के दरमियान महमूद पाशा को सिफारत खाने में दाखिल करना मुश्किल है, और हमें यह भी मालूम नहीं कि वो किस तरफ से आएंगे। हम तमाम रास्तों का जायजा ले चुके हैं फियादा। महमूद पाशा यकीनन यही कहीं छुपे होंगे, या फिर शायद जल्दी यहां आने वाले होंगे। खैर, हमें यही हुक्म मिला है और हम ये हुक्म मानने पर मजबूर हैं। वो देखो, क्या तुम इस जवान को पहचानती हो? नहीं, मैं तो नहीं जानती। क्या ये खुद से बातें कर रहा है? अभी मालूम हो जाएगा, तुम यही रुको। लड़कियां सारा काम संभाल लेंगी, आप थोड़ा आराम करें। मिसाल खादमा। मैं बिल्कुल ठीक हूं सुल्ताना। सालिया सुल्तान जी, कहिए। आज हम महल से जा रहे हैं, बस यही बताने आए हैं। क्या आप जा रही हैं? क्यों और कहां? बुरसा जा रहे हैं वालिदा के पास। बाबा चाहते हैं कि वालिदा उदास ना हो। उन्हें हमारे आने की खबर मिल गई थी और वो बहुत खुश हैं। हम उनका दिल नहीं तोड़ना चाहते। बीदार सुल्तान आपके आने से काफी खुश होंगी। हमें यकीन है हमारे जाने से आप भी काफी खुश होंगी, लेकिन बेफिक्र रहिए, हम भी आपसे दूर जाने पर बहुत खुश हो रहे हैं। हम आपको वाकई पसंद नहीं करते,
मगर आपका गिरना एक हादसा था, ऐसा कोई इरादा नहीं था हमारा। खैर अब हम चलते हैं, अभी हमें वो तहाइफ भी रखने हैं जो बाबा वालिदा के लिए भेज रहे हैं। काफी ज्यादा तहाइफ है, आप तो जानती ही हैं बाबा वालिदा की कितनी परवाह करते हैं। मेरे जख्मी होने की वजह से वो चली जाएंगी तो मैं पहले ही खुद को जख्मी कर लेती। माफी चाहती हूं मैं। मेरी बात समझ गई हो ना फियादा? महमूद और सबाहद्दीन उसी बग्गी में है, हमें हर सूरत उन दोनों को सिफारत खाने ले जाना है। मैं समझ गई, आप बेफिक्र हो जाएं। बिल्कुल दिखाओ, ये लो। हमें तलाशी लेनी होगी। मेरे ख्याल से तुम्हारी नजर कमजोर है, ये बग्गी सिफारत खाने की है, तलाशी नहीं ले सकते। बिल्कुल ले सकता हूं मैं। अपने कमांडर को बुलाओ, तुम जैसा आम सिपाही सवारी की तलाशी नहीं ले सकता। मोहतरमा, क्या आप ठीक हैं? बहुत तकलीफ हो रही है। इस तरफ आ जाइए। मेरा बच्चा। अगर तुमने तलाशी लेने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा। भाई जल्दी करो, हमें और भी काम है, कितना वक्त लगा रहे हो? जाने दो, लोग पीछे इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, जाओ। शाबाश सिपाही। क्या आप ठीक हैं? अब बेहतर हूं मैं, बहुत शुक्रिया आपका। सुल्तान मौज़म, बताइए पाशा, क्या यमन से कोई खबर आई है? नहीं सुल्तान मौसम, शहजादे अभी तक वहां से आने वाले टेलीग्राम के मुंतजिर हैं, मगर मैं अहमद पाशा के बारे में आपसे एक बात करना चाहता हूं। क्या बात है पाशा? अहमद पाशा आपसे मुलाकात की ख्वाहिशमंद हैं। वो जानते हैं कि हम किसी से मुलाकात नहीं कर रहे। अहमद पाशा ने मेसन मिहाइल को मार डाला, उन पर शुबात है कि उन्होंने ही फौज में बगावत शुरू करवाई है। मैं जानता हूं सुल्तान मौसम, ताहिर पाशा ने आपको इत्तला देने से पहले मुझे खबर दी थी। अहमद पाशा का कहना है कि यमन में होने वाली बगावत के बारे में उनके पास मालूमात हैं, इसलिए मैंने आपको मुत्तला करना जरूरी समझा। सुल्तान मौसम, वो बाहर मुंतजिर हैं, आपका हुक्म हो तो बुला लूं। ठीक है, अंदर बुला लीजिए। जैसा आपका हुक्म। उन्हें बुला लीजिए। सुल्तान मौसम, कहिए अहमद पाशा। सुल्तान मौसम, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे माँ बहन कुछ अरसे से ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। मुझसे कुछ गलतियां हुई हैं। कुछ होती तो ठीक था पाशा, हमें आपसे मेसन मिहाइल के कत्ल के बारे में भी बात करनी है। खैर आप कहिए। सुल्तान मौसम, मैं कुछ वक्त से कसल का ताकुब कर रहा था। मगर क्यों? आपकी नजरों में अपना खोया हुआ मकाम हासिल करने और अपनी रियासत की खिदमत करने के लिए सुल्तान मौसम। दुश्मन जब हमारी ही सरजमीन पर हमला करे तो हम उसके नापाक इरादों को नाकाम बनाकर उसे बर्बाद कर सकते हैं यमन के लिए। आपको ये सब आखिर कैसे मिला पाशा?
सुल्तान मौसम, गसल का ताकुब करते हुए मुझे कुछ मालूमात मिली और आखिर में ये दस्तावेजात मेरे हाथ लग गईं। ये क्या है सुल्तान मौसम? ये वो दस्तावेजात हैं जिनसे गसल का खात्मा हो जाएगा। अहमद पाशा के हाथ यमन की बगावत के लिए कसल की भेजी गई माली मदद के सबूत लगे हैं। अब कसल को कोई नहीं बचा सकता। आपने अच्छा काम किया है पाशा। तहसीन पाशा, ये फौरी तौर पर अखबारात में शाया करवा दें। इस तरह हमारी सरजमीन पर भी और यूरोप में भी कसल की साख बर्बाद होकर रह जाएगी। जी बहुत बेहतर सुल्तान मौसम। दरवाजा बंद कर दो। क्या हुआ भाई, आपकी टांग को क्या हुआ? गोली लगी है। गोली लगी है? अच्छा, गोली किसने मारी? अशरफ ने। आपके बारे में मालूम हो गया उसे? उसने इसहाक को गोली मारी, उसकी गद्दारी की वजह से। वो मीका को नहीं जानता मगर जल्द जान जाएगा। मेरे ठिकाने का पता चल गया उसे, मुझ पर नजर रखी हुई है। उसने आप पर क्यों गोली चलाई? मैंने बंदूक निकाली मगर मार नहीं सका, उसमें गोलियां नहीं थी। बस फिर मैं किसी तरह भाग कर वहां से यहाँ आ गया। उसने कहा कि अभी ये खतरा बाकी है, यानी यही बात कर रहा था। अब क्या होगा भाई, हम क्या करेंगे? आपने अशरफ पर बंदूक तानी है, अब वो आपको नहीं छोड़ेगा। हम नई जिंदगी शुरू करेंगे, तुम, मैं और अली उस्मान। अली उस्मान के साथ नई जिंदगी सुनकर अच्छा लग रहा है, लेकिन ये सब कैसे होगा? हम फ्रांस चले जाएंगे, वहां कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आजकल अशरफ काफी मोहतात है, अली उस्मान को भी अपनी नजरों से दूर नहीं होने देता। मैंने उसके लिए भी मंसूबा बना रखा है, उसके बाद उसके पास मरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। अगर वो जिंदा बच भी गया तो उसे मालूम होगा कि उसका बेटा अगवा हो चुका है, फिर वो बरसों तक उसे तलाश करता रहेगा, बिल्कुल तुम्हारी तरह, जैसे हम अपनी बहन को इतने साल तक तलाश करते रहे। वो भी उसी तकलीफ से गुजरेगा जो हमने बर्दाश्त की। हम जानते हैं हमने आपको बहुत तकलीफ पहुंचाई है। अपनों की तरफ से आई तकलीफ भी एक नेमत है, क्योंकि हमें उन्हीं अपनों की बदौलत खुशियां भी नसीब होती हैं। क्या आप वालिदा के लिए कोई पैगाम देना चाहते हैं? हम उनके पास अपना अहम खजाना भेज रहे हैं, बस हम चाहते हैं कि वो इसका ख्याल रखें। क्या आप हमारी बात कर रहे हैं? क्या एक बाप के लिए अपनी औलाद से बढ़कर कोई खजाना होता है? बाबा जान, हमारी प्यारी बेटी, हम आपको बहुत याद करेंगे। हम भी आपको बहुत याद करेंगे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, आप याद आएंगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह की अमान में रहिए। खजां के मौसम में जैसे एक दरख्त के पत्ते झड़ते हैं, वैसे ही एक एक करके हमारे प्यारे हमसे दूर होते जा रहे हैं, फिर उस बगैर पत्ते वाले दरख्त के साए में बैठना भी कोई पसंद नहीं करता। वो ये ना समझे कि हम तबाह हो गए, वो ये ना समझे कि हम बर्बाद हो गए। ये एक नई बहार के फूल खिलने की तैयारी है।
ये देखें। अब आपकी जिंदगी और आपके सियासी हुकूक फ्रांसीसी रियासत की जिम्मेदारी है। सब ये जान चुके हैं कि आपने यमन में बगावत करने वालों को माली मदद फराहम की है। ताहिर पाशा, निशानेबाज ताहिर पाशा। कमांडर लीना साहिबा अली उस्मान को लेकर घर से निकल गई हैं। अभी वो लोग बंदरगाह पर हैं।